यहाँ पे रखा गया है, ड्रग एडिक्शन और उसके रिलेटेड बहुत सारे ऐसे सोशल इवेंट्स जो आज हम सोसाइटी में देख रहे हैं, चाहे वो सुसाइड्स हो, चाहे वो वुमेन गार्डनिंग हो, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हो, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आज समाज में है, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में जितना काम किया जाए, जितनी बातें कही जाए, जितने सेमिनार्स किए जाए वो कम है। मेरी खासकर ये कोशिश रहती है कि जहाँ पे भी इस तरह के प्रोग्राम्स हों उनकी शिरकत की जाए, ताकि ये मैसेज जो है वो लोगों तक, हमारे बच्चों तक, हमारे एडल्ट्स तक जो शायद एक गलत रास्ते पे निकल रहे हैं या एक भयावी आ गई है, उससे बचे। तो मैं बच्चों से स्पेशली ये कहूँगी कि अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर मत कीजिए। हर एक बच्चा यूनिक, हर एक बच्चे में खुदा ने कोई ना कोई एबिलिटी, कोई टैलेंट, कोई ऐसी क्वालिटी रखी है जो वो किसी और से आप कंपेयर नहीं कर सकते। यू आर देयर, अगर आप दुनिया में आए हैं तो खुदा ने आपको किसी एक स्पेशल मकसद के साथ इस दुनिया में भेजा है। सिर्फ देर इस चीज की है कि आप वो मकसद को रियलाइज करें कि वो मकसद क्या है, आपको अच्छा क्या लगता है करना। आप जब उन चीजों में अपने टाइम को यूटिलाइज करेंगे तब आप डिप्रेशन से दूर होंगे। जो अच्छा वक्त है या बुरा वक्त है, इट इज टेम्पररी, इट विल पास, इट इज देयर टू जस्ट टेस्ट यू। कुल तुम्हें हस्ती से तू उभरा है मानिंदे हवा, इस दिया खाने में तेरा इम्तिहान है जिंदगी। चाहे किसी को कोई सक्सेस मिले, चाहे फेलियर मिले, इट्स अ वेरी वेरी टेम्पररी थिंग, इट्स अ वेरी टेम्पररी फीलिंग। इफ यू गेट द हाईएस्ट रिवॉर्ड आल्सो, वो कुछ लम्हों के लिए आपको शायद बहुत खुशी महसूस हो या अगर बहुत बड़ा चैलेंज भी आ जाए, लेकिन उसके बाद हाउ यू रिएक्ट, हाउ यू हैव इक्विप्ड योरसेल्फ टू रिएक्ट इन दीस सिचुएशंस इज व्हाट मैटर्स। आपने अपने आप को इतना तैयार किया हुआ है कि अगर कोई भी चैलेंज आता है तो आप किस रूटीन को फॉलो करोगे, किसके पास जाओगे, किससे सपोर्ट लोगे, वो मैटर करता है। दीज आर वेरी प्लेजेंट मोमेंट्स। I am rather indebted to all of you, and especially to Mr. Bashir Ahmad Mahidir, who has approached me about 2 weeks back when I was in Delhi. So, requesting for coming and sharing my thoughts on the subject of social reformation and our responsibilities. Social reforms and our responsibilities. While discussing, he apprised me that we are about 5 non-government organizations, and the mother organization is the Human AIDS Society.